हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर एंड पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक से लेकर के ये क्वेश्चन मेरे पास आया है डिस्कस करने के लिए। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगर आप इसको रीड कर पाओ, है ना, इस क्वेश्चन को समझें अगर। और ये क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन यहाँ से इसके बाद जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो स्टार्ट होता है। तो पहले इस क्वेश्चन का जो अपर पार्ट है, पार्ट ए, वो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एंड वो थोड़ा रिलेटिवली सिंपल है, बिकॉज टू इंसुलेटिंग स्फीयर्स क्वेश्चन के हिसाब से हैव रेडियाई आर वन एंड आर टू एंड देयर मासेस आर एम वन एंड एम टू एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस माइनस क्यू वन एंड क्यू टू। दैट मीन्स कि सिचुएशन कुछ ये है, लाइक एक स्फीयर हमारे पास यहाँ है जिसके ऊपर माइनस ऑफ क्यू वन का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और दूसरा स्फीयर यहाँ पर है जिसके पास प्लस ऑफ क्यू टू का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और ये इंसुलेटिंग स्फीयर्स हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में मैंशनड है दैट दीज आर इंसुलेटिंग स्फीयर्स, दे आर नॉट कंडक्टिंग। सो ये जो माइनस क्यू वन एंड प्लस क्यू टू हैं, बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये चार्जेस यूनिफॉर्मली इनके वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में दे रखा है, दैट सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर्स दैट इज स्मॉल डी। रेडियाई इसके लिए दे रखी है आर वन रेडियस का है, और ये रेडियस जो है वो आर टू है, रेडियस आर वन एंड आर टू। क्वेश्चन की कंडीशन एक और बोली जा रही है कि इन दोनों को यहाँ पर आप रेस्ट के स्टेट पर रिलीज कर देते हो। दोनों में से किसी के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। लेफ्ट साइड मास इज एम वन एंड द राइट साइड मास इज एम टू। सो ये आपके इस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है। नाउ जब रेस्ट पे छोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, और इनको अगर हम रेस्ट की कंडीशन से छोड़ते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड एक टाइम बाद जाकर के ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो जब ये कोलाइड करेंगे, लाइक मीन ये स्फीयर इधर आएगा और ये स्फीयर इधर आएगा, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि जब ये दोनों स्फीयर कोलाइड कर रहे होंगे, लाइक सो, कि एक इधर आ गया और एक स्फीयर हमारा यहाँ पर आ गया, एंड दे आर जस्ट कोलाइड ईच अदर। उस जस्ट कोलाइड करने वाली केस में हम ये मान लेते हैं कि ये मास हमारा वी वन स्पीड से चल करके आ रहा है और ये मास उस टाइम पर वी टू स्पीड से चल रहा है। एंड अब नोटिस करो तो अब इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, अगर आप सेंटर्स को सपोज़ पॉइंट सी वन एंड पॉइंट सी टू से डिनोट करो, तो यहाँ पर C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस था वो D था। एंड नाउ उन्हीं सेंटर से C1 एंड C2 के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से C1 एंड C2 इज ऑब्वियसली इट इज़ R1 प्लस R2, और ये मासेस हमारे हो गए M1 एंड M2। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि ये दोनों मासेस एक दूसरे पर कोलंबिक फोर्स लगाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये इस पर फोर्स, कोलंबिक फोर्स F इस तरफ काम करेगा, तो इसके ऊपर कोलंबिक फोर्स इधर काम करेगा, सॉरी ये दो फोर्सेस काम करेंगे। और अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मानते हो, दैट मीन्स ये दोनों स्फीयर मिला करके आप अगर आप एक सिस्टम चूज़ करते हो, लेट ये मिला करके एक सिस्टम मान लें अगर अपना, तो ये एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम माना जाएगा। और ये सिस्टम आइसोलेटेड इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये जो फोर्स है और ये वाला फोर्स है, ये इस सिस्टम के इंटरनल फोर्स होंगे, और ये एफ इंटरनल होने की वजह से कैंसिल आउट कर जाएंगे, और इस पूरे सिस्टम पर आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है। और जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो ये मुझे अलाउ करता है कि आप इस सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ कर सकते हो। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से आई कैन राइट दैट पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिंस इनिशियली द टू मासेस वर एट रेस्ट, द इनिशियल मोमेंटम वॉज ज़ीरो, एंड नाउ द मोमेंटम कैन बी रिटन एज एम वन वी वन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इफ इट इज एक्स एक्सिस। सो एम वन वी वन आई के, एंड देन सेकेंड मास का मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम टू वी टू आई के बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देर इज नो
एक्सटर्नल वर्क डन, देर इज़ नो एक्सटर्नल वर्क डन, एंड व्हेन देर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन एंड द इंटरनल फोर्स विच इज दिस एफ विच इज कोलंबिक फोर्स, आवर इंटरनल फोर्स इज कोलंबिक एंड दैट इज नेचर वाइज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो एक्सटर्नली देर इज़ नो फोर्स नो वर्क एंड इंटरनली इंटरनल इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. नाउ ये दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली आपको एक और चीज़ के लिए अलाउ करते हैं कि अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं है और इंटरनली जो काम हो रहा है इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो आप इस केस में पूरे सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको भी कंजर्व कर सकते हो. और इसके मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं कंजर्व करूँ तो उसके हिसाब से मेरी जो इक्वेशन बनेगी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स आप ये लिखोगे कि एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू द एनर्जी फाइनल. एंड इनिशियली जब वो डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं उनके सेंटर्स डी डिस्टेंस पे हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स डी. बट यहाँ पर Q1 में माइनस साइन भी है सो उसका ध्यान रखना होगा. और ये रेस्ट पे हैं तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. जब ये आपस में कोलाइड करने लगे ठीक है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब लिखी जाएगी 1/4πε0 अगेन माइनस Q1 चार्ज लेफ्ट साइड पर Q2 राइट साइड पर एंड नाउ सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स इज नाउ R1+R2. बट अब इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी बिकॉज ये मासेस अब मूव कर रहे हैं. तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगा इनके अंदर अगर हम इसको देखें तो 1/2 times m1v1² लेफ्ट वाले मास में होगा एंड प्लस 1/2 times m2v2² ये राइट वाले स्फीयर के साथ होगा. सो ये हमारे लिए बन जाएगी सेकंड इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. फर्स्ट इक्वेशन था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा v1 v2 का जो आंसर है वो आ जाएगा. इसको अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करते हो और थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर हम लोगों ने केयर करी हुई है तो सॉल्व करके जो आंसर बनता है वो कुछ ऐसा आएगा. v1 की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग इट इज़ समथिंग लाइक 2 m2 एंड देन k कोलंबिक कॉन्स्टेंट विच इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अगर हम सॉल्व करें इसको डिवाइडेड बाय यहाँ पर m1 और यहाँ पर m1+m2 ठीक है एंड यहाँ पर 1/R1+R2 एंड माइनस 1/D. तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद. ये जो के सी है वो कोलंबिक कांस्टेंट है वो 1/4πε0 की वैल्यू है. ना जो क्वेश्चन का बी पार्ट है वॉट इफ़ ठीक है ना वॉट इफ़ वाले पे आते हैं. तो जो ये वॉट इफ़ है उसके अंदर क्या होगा दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन वॉट इफ़. और क्या कह रहा है सेकंड पार्ट आपको देखूं. व्हाट इफ़ द स्फीयर्स वर कंडक्टर्स. अभी आप ये इंसुलेटिंग स्फीयर लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. अब वो कह रहा है कि अगर ये इंसुलेटिंग स्फीयर ना हो करके अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर्स रहे होते तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर्स जब ये कोलाइड कर रहे होंगे तो ये जो स्पीड v1 और स्पीड v2 है ये कंपेयर करें इंसुलेटिंग वाले रिजल्ट से. यानी कि जिसका अभी सोल्यूशन आप ला रहे हो ना ये जो आंसर ला रहे हो इससे जो आंसर आपका बना है क्या आपको इससे ज़्यादा आंसर मिलेगा या इससे कम आंसर मिलेगा अगर मैं स्फीयर को इंसुलेटिंग की बजाय कंडक्टर मान लूँ तब. ये व्हाट इफ़ वाला क्वेश्चन है ना. आज जैसे आप पढ़ भी सकते हो कि इफ़ द स्फीयर्स वर कंडक्टर्स वुड देयर स्पीड्स बी ग्रेटर और लेस देन दोज कैलकुलेटेड इन पार्ट ए. सो पार्ट ए हमारा इंसुलेटिंग स्फीयर को लेकर था. नाउ आप उसको डिस्कस कर रहे हो कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर्स होते तो मेरा आंसर इससे ज़्यादा होता या इससे कम होता. तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया है ना. लॉजिक्स में आ गए. लॉजिक्स पे कैसे आओगे कि अगर ये दोनों स्फीयर कंडक्टर फॉर्म में होते है ना अगर ये दो स्फीयर्स हमारे कंडक्टिंग स्फीयर्स बनते तो होता क्या इन केस इफ़ दे आर कंडक्टिंग स्फीयर. तो मैं जरा इसको डायग्राम को यहाँ साइड में ही रखता हूँ आप देखिएगा. अगर ये स्फीयर कंडक्टर हैं तो जिस टाइम पर ये कोलाइड करने वाले होंगे जस्ट बिफोर द कोलिजन अगर आप बात करूँ
तो ये कंडक्टर इतने पास आ चुके होंगे, इतने क्लोज आ चुके होंगे कि इनका एक दूसरे के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जब होगा, नोटिस करो आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जब आप इंडक्टिव इफेक्ट लोगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी नेगेटिव ऑन दिस साइड एंड पॉजिटिव ऑन द अदर साइड। इस पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन यहाँ नेगेटिव में आएगा और यहाँ पॉजिटिव में आएगा, जबकि ये स्फीयर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है माइनस क्यू वन। तो ये पहले से ही इस पूरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज था और एक इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। तो अगर यहाँ पर आप खुद सोचो कि अगर ये ऑलरेडी माइनस 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 था, माइनस था, पूरा तरीके से माइनस था, हालांकि कंडक्टर में ये माइनस इसके सरफेस पर होगा, ध्यान रखना है। तो ये कंडक्टर के केस में ये जितना नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ये उसके सरफेस पर है, और इंडक्शन के बाद राइट वाले सरफेस पर फिर माइनस आएगा और लेफ्ट वाले सरफेस पर इंडक्शन के बाद पॉजिटिव आएगा। तो एक ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो कि राइट साइड ऑफ सरफेस ज़्यादा नेगेटिव है, बिकॉज वहाँ नेगेटिव इंड्यूस भी हो रहा है और नेगेटिव पहले से भी है। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी राइट साइड पर ज़्यादा है और लेफ्ट साइड का चार्ज रिलेटिवली कम डेंसिटी का हो गया, बिकॉज वहाँ पर पहले से नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है, तो कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लेस डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ज़्यादा डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर देंगे कि इसमें यहाँ यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ यहाँ भी प्लस चार्ज है, बट जब इंडक्शन फिनोमिना होगा इसका, तो ये ध्यान रखो ये माइनस वाला चार्ज था, तो इस माइनस का जब इंडक्शन दिखाओगे तो माइनस का इंडक्शन इस फ्रंट साइड पर पॉजिटिव होकर के आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड था और पॉजिटिव इंडक्शन भी हो रहा है, सो नेट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे में ओवरऑल सेंटर ऑफ चार्ज, बिकॉज राइट साइड इज़ मोर नेगेटिव देन लेफ्ट साइड एंड दिस लेफ्ट साइड इज़ मोर पॉजिटिव देन द राइट साइड, तो इसके पूरे नेगेटिव चार्ज का आप इफेक्टिव सेंटर C1 से थोड़ा आगे मान सकते हो। मतलब ये हमारे जो C1 C2 पॉइंट्स हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका इफेक्टिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा राइट साइड पर आ गया एंड द इफेक्टिव सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज थोड़ा लेफ्ट साइड पर है। और जब इनके इफेक्टिव सेंटर्स राइट और लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गए, तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, यानी ये जो डिस्टेंस हुआ वो अब ज्योमेट्रिकली R1 प्लस R2 है। ज्योमेट्रिकली द सेपरेशन इज नाउ R1 प्लस R2, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नाउ इफेक्टिवली लेसर देन R1 प्लस R2, यानी कि जो इफेक्टिव सेपरेशन होगा R इफेक्टिव वो लेस होगा फ्रॉम R1 प्लस R2। और जब हमारा इफेक्टिव सेपरेशन R1 प्लस R2 से कम होगा, तो यहाँ पे जो टर्म है आपका R1 प्लस R2 वो रिप्लेस हो जाएगा R इफेक्टिव से। और जब ये R इफेक्टिव से रिप्लेस होगा, जो कि R1 प्लस R2 से कम वैल्यू का है, तो V1 पहले के कंपेयर में ज़्यादा वैल्यू पर आएगा। यानी कि ये स्फीयर्स कंडक्टर वाले केसेस में रिलेटिवली फास्टर होंगे, अगर आप उसको कंपेयर करो उनके इंसुलेटिंग स्फीयर वाले सिचुएशन के कंपेयर में। तो सो ये टोटल आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि V1 V2 ज़्यादा आएंगे, ठीक है यहाँ पर। और फर्स्ट केस में वो सिंपल क्वेश्चन है, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक बार आप अपने लेवल पर देखिए, ये फाइनल पॉइंट रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि ये कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए। मैं ऑप्शंस फ्रेम कर सकता हूँ कि जो आंसर है वो इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, बट मोर और लेस इतना तो एटलीस्ट बता सकते हो आप, ठीक है। सो एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर। सिमिलर क्वेश्चंस अगर कुछ और हैं तुम लोग के डाउट में, तो मैसेज करो आप। थैंक यू।